हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है 2018 की टाटा टियागो, जो कि BS4 है। इसके बारे में आज इसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस गाड़ी के बारे में बात होगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे और इनका टाटा के शोरूम में जो कैसा इनका टाटा के शोरूम या सर्विस सेंटर में कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, वो सभी इस वीडियो में बात होगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो दोस्तों, आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो आइए मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से। इस गाड़ी के ओनर अनुज भाई, आप ऑन स्क्रीन आ जाइए। तो अनुज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सो अनुज भाई, कैसा है आपका टाटा टियागो का एक्सपीरियंस, उसके बारे में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनको बताइए। आपने पहले तो आप ये बताइए कि आपने गाड़ी कब ली थी? ये है 2018 में ली थी आपने। ओके, और कितने की पड़ी थी आपको गाड़ी ऑन रोड? ये ऑन रोड पड़ गई थी, वैसे तो ये 5-30 की थी। ओके, बट वो एक्सचेंज, मेरी पुरानी गाड़ी थी, उसको एक्सचेंज करने के बाद ये 5 लाख की पड़ी। 5 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ गई थी। तो अभी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? वन वर्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा या बुरा? अच्छा। अच्छा, ओके। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले, उसके बाद गाड़ी के डिटेल में बात होगी। तो गाड़ी का जैसे आपने बताया कि ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड, टाटा की सर्विस को कितना रैंक करोगे आउट ऑफ 10? 5। ओके, और गाड़ी की परफॉर्मेंस को? इसको 8। 8, ओके। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को? म्यूजिक सिस्टम को तो 9। ये जो म्यूजिक सिस्टम है टाटा की गाड़ियों में, ये प्लस पॉइंट रहता है हमेशा, तो म्यूजिक सिस्टम को आप कितना मार्क करोगे? इन्फॉर्मेटिव सिस्टम के लिए तो 9 मार्क्स तो मिलेंगे। 9 मार्क्स दोगे आप? ओके, और बाकी आपको गाड़ी की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन? ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में ये 8। सीट कम्फर्ट या फिर स्पेस मैनेजमेंट को लेके अच्छा है? आउट ऑफ 10 जो है आप 8 मार्क करोगे इसे। ओके, तो अभी गाड़ी कितना किलोमीटर चला चुके हैं आप? अभी तक चल चुकी है ये, बहुत कम गाड़ी चली है, मतलब अभी इतनी ज़्यादा चली नहीं है, तो ये 7,500 चली है अभी तक गाड़ी। 7,500 किलोमीटर चली है अभी। अच्छा, आप वैसे दिल्ली में रहते हैं, गाड़ी घर में रहती है तो इस वजह से कम चलती है। आप घर आते हैं तो ही से चलाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अभी तो 2 साल से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप घर में ही हैं। ओके ओके ओके, तो अभी आपका गाड़ी का जो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, गाड़ी का अभी तक आपने कोई वियर एंड टियर चेंज करवाया है गाड़ी में, या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन खुदा ना खास्ता, मतलब कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। बाकी मतलब जैसे आई गाड़ी, अभी तक जो सिंगल टच है वैसे ही चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं हुआ, कोई वियर एंड टियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ओके, तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के प्रोज के बारे में, उसके बाद कौन से के बारे में बात करें। कुछ मीठा खा लेते हैं पहले, उसके बाद कड़वे के बारे में बात होगी। तो अब ये बताइए आप, अनुज भाई आप हंस रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, या फिर आपको? ओके, आपकी बातों में ऊपर से बारिश भी हो रही है। हाँ दोस्तों, आज हम जैसे कि ये शूटिंग करने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है, पालमपुर के नियर बाई आए हैं हम यहाँ पे। ये सौरभन बिहार के नज़दीक का एरिया है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, हमने ये शूटिंग के लिए परफेक्ट समझा एरिया। पीछे से देख सकते हैं आप, रोप ब्रिज भी है पीछे, काफ़ी अच्छा एरिया लगा मुझे, इसलिए हमने यहाँ पे शूटिंग करने का डिसाइड किया। सो अब बात करते हैं टाटा टियागो के बारे में। तो अनुज भाई, टाटा टियागो आपने जब से ली है, तब से अभी तक आपने इसमें, जैसे आपने बताया कि आपने 7,500 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है, तो माइलेज कितना देती है आपकी गाड़ी? ये 70 तक दे देती है। 17 तक दे देती है। तो आप इसको हाईवे और इस पर भी लेके गए? हाँ, हाईवे पे, सिटी पे ज़्यादा माइलेज है। ओके, और वैसे आपको पता ही है, माउंटेन्स में चलाने के लिए फिर आप भी एक्सपीरियंस हो। ओके, मतलब इसका यहाँ पे आपको हिली एरिया में, यहाँ पे जैसे आप धर्मशाला से हो, तो आपको यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस मिल जाए? कितना? 15 से 17 के बीच तक का है। 15 से 20 के बीच में मिल जाता है, ठीक है। और आपने अभी तक गाड़ी को लॉन्ग रन पे कितना रन किया है गाड़ी पे? जा चुकी है काफ़ी काफ़ी किया है। ओके, तो अभी मुझे आप गाड़ी के, आपको क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी लगती हैं, आप पहले वो बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं, और उसके बारे में फर्स्टली आप बताइए, उसके बाद इसके बारे में आपको क्या क्या नुकसान है इस गाड़ी को लेने के, या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में इस वीडियो में फिर बाद में बात करेंगे। पहले आप इस गाड़ी के जो प्लस पॉइंट बताइए। प्लस पॉइंट तो सब जानते हैं, टाटा और सेफ्टी। सेफ्टी, ओके। आप सबसे पहले इंसान वही सोचता है कि सेफ्टी हो गाड़ी की, तो कोई बेटर है। हाँ सही बात है, मैंने भी नेक्सॉन इसी पर्पज़ से ली थी कि सेफ्टी। हाँ, टाटा का जो भी बंदे टाटा लेना लेने की सोचते हैं, वो पहले तो उनके माइंड में सेफ्टी आती है। सेफ्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टाटा की गाड़ियों से बढ़िया गाड़ी अभी, या महिंद्रा को हम इंक्लूड कर सकते हैं, महिंद्रा जैसे XUV300 को 5-स्टार रेटेड मिली थी, तो इनको हम गाड़ियों को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। बट टाटा की गाड़ियाँ जो है फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की टाटा की गाड़ियाँ रहती हैं सेफ्टी के, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अनुज भाई का पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड है कि इसमें जो है इन्होंने सेफ्टी का पॉइंट रखते हुए इसमें देखा। तो आप, आपको और क्या प्लस पॉइंट लगे इसका? बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ओके, बाकी इंटीरियर्स अच्छे हैं। इंटीरियर्स आपको अच्छे लगे? ओके, और माइलेज भी सेटिस्फैक्ट्री है, ज़्यादा नहीं बोल सकते बट माइलेज भी सेटिस्फैक्ट्री लगती है आपको माइलेज।
ओके, और अब बात करते हैं जैसे कि बाकी तो आपकी गाड़ी चला के भी देखेंगे कैसी है, इसका एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों, वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है इसका। और बाकी आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी में आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं आपको गाड़ी में, वो मुझे बताइए। ऐसा अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ी सर्विसिंग की है, थोड़ी बहुत सर्विसिंग सर्विस सेंटर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो इतना ख्याल नहीं रखते, जिस हिसाब से आप गाड़ी लेके जाओ उस हिसाब से वो उतना उनका वो नहीं रहता कि आप उस हिसाब से वो गाड़ी को देखेंगे। ओके, तो मतलब आपको सर्विस सेंटर का जो इतना वो है आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा? नहीं है, बाकी ऑल ओवरऑल देखा जाए तो आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दिस परचेज। ओके, मतलब आप सेटिस्फाइड हो इसे, तो इसमें कुछ भी ऐसा खास नेगेटिव नहीं है? हाँ, कुछ भी ऐसा खास नेगेटिव, बाकी आप एक बार चला के देखिए तो आपको पता लगेगा। ओके ओके, हाँ वो तो हम टेस्ट ड्राइव में दोस्तों बताएंगे कैसा है। 2018 का मॉडल है, VS4 है, और आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी में जो हमें पावर मोड भी मिलते थे सिटी और इकोनॉमी वाला वो भी है इसमें, अभी नई वाली टियागो और टिगोर में वो नहीं आता है, इसमें आता है। और गाड़ी के स्पेसिफिकेशन आप जानते हैं, 1200 सीसी का इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड है, विद 3 सिलेंडर, थोड़ा नॉइजी है और थोड़ा गेयर बॉक्स भी इसका हल्का वाइब्रेट करता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। बाकी जिन्होंने टियागो चला रखी है, जो टियागो लेने का प्लान करें उनको अभी हम बताना चाहेंगे कि इसका एक इस गाड़ी में प्रॉब्लम मुझे जो पर्सनली लगती है वो मुझे तो ये लगती है कि इस गाड़ी का गेयर नॉब थोड़ा हल्का वाइब्रेट करता है जब इसको इनिशियल उस पर, आपको लगता है कुछ ऐसा अनुज भाई? हाँ, ये मैंने कभी कभी फील किया है, बट आप इग्नोर कर सकते हो, इतना ज़्यादा वो आपको वैसे बोदरिंग वाली बात नहीं है कि आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है उससे, तो वो इग्नोर किया जा सकता है। ओके, तो जब आपने गाड़ी ली तब का आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा था टाटा का 3 साल पहले और आज के टाइम पे? मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब इस तरह से है कि आपको 3 साल पहले जो टाटा का सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर या रूटीन जो था वो अब भी वैसा ही है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? अभी भी मुझे लगता है वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट अभी को सर्विस नहीं करवाई है, बट जब मैंने करवाई थी तो मुझे थोड़ा वैसा सेटिस्फेक्ट्री नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था। अब सबका अपना डिफरेंट वो। कितना सर्विस हो चुकी है गाड़ी की अभी तक? इसके अभी 2 सर्विस हो चुकी है, बट अच्छा। दोनों में मुझे ऐसा अभी कोई ऐसा मतलब सेटिस्फेक्ट्री नहीं। ऑयल चेंज वाली एक सर्विस हो चुकी है, मतलब आपकी वो हो चुकी है। कितना कॉस्ट रहा था आपको ऑयल चेंज वाली सर्विस में? अभी कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, बट वही जितना पड़ता है बेसिक, मतलब कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, नॉर्मल खर्चा रहा था आपको, इसलिए आपको भूल चुके हैं अभी। ओके, तो अभी मतलब ओवरऑल आप गाड़ी से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, तो दोस्तों अभी लेते हैं गाड़ी का टेस्ट ड्राइव और चेकआउट करते हैं कैसा है गाड़ी का परफॉर्मेंस, पिकअप अभी 3 साल बाद कैसा देती है जो टाटा टियागो है उसके बारे में गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के एक बार बात करते हैं गाड़ी का आपको, एक बार उससे पहले इंटीरियर भी दिखा देता हूं आपको गाड़ी का कैसा इंटीरियर है अभी तक, तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम टाटा टियागो के अंदर, तो अभी इसका एक बार ड्राइविंग पोस्चर चेक करते हैं, ड्राइविंग काफ़ी पोस्चर जो है काफ़ी बेटर है गाड़ी का और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और गाड़ी जैसे कि मैंने बताया था इनिशियल वाइब्रेशन जो है गेयरबॉक्स में वो इसमें भी है, VS6 में भी है, 4 में भी थी, तो इसमें टाटा ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, 5 लाख के बजट में आप ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, तो इसमें कोई इतना मेजर इशू नहीं है। तो दोस्तों बाकी गाड़ी का परफॉर्मेंस मैटर करता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशन से हमने यहाँ पे बैठना नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि इसका गेयरबॉक्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, यहाँ पे हमने किसी ने बैठना नहीं है, इसको सिर्फ हाथ से हिलाना है, तो इसलिए काफ़ी इजी रहता है, इसमें कुछ भी करने वाली ज़रूरत नहीं है। तो बाकी गाड़ी का जो इसका इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, इंजन नॉइस काफ़ी कवर है गाड़ी में, कोई इंजन नॉइस नहीं आ रही है सच। और अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है तो आपको देखिए जैसे कि अभी गाड़ी चल रही है तो अभी AC भी ऑन है, तो आपको नॉइस आ रहा होगा कितना है, AC भी चल रहा है अभी गाड़ी का और हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो अभी जो है कैबिन और गाड़ी स्टार्ट है तो कैबिन नॉइस काफ़ी कम है गाड़ी का। तो अभी यहाँ पे एक स्टीप चढ़ाई है आपको, साथ में टियागो का पावर भी दिखा देते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा इसको चलाना। तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी एक अच्छी स्टीप चढ़ाई थी और टियागो बड़े ईजिली जो है यहाँ से निकल गई, इसमें इसने कोई भी ज़रा भी इशू नहीं हुआ मुझे, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि AC चल रहा है, कुछ एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं जिनमें AC चलता है तो इतनी चढ़ाई पे गाड़ी नहीं चढ़ पाती है, बट टियागो में ऐसा नहीं है, टियागो काफ़ी अच्छे से स्मूथली, मैंने दूसरा गियर डालने की कोशिश की थी, कुछ देर चलाया भी, बट जो है इसमें थोड़ा पिकअप जो है इसका फॉल हो गया तो मैंने इसे इसको फर्स्ट गियर पे लगा दिया था। अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं और देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया टियागो ने, तो अभी हम मेन रोड में मिल रहे हैं और यहाँ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों टियागो का जो इसका जो गाड़ी का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर का जितना भी कॉम्बिनेशन है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस एंट्री लेवल सेगमेंट में अगर मैं बताऊं, क्योंकि अगर एंट्री लेवल सेगमेंट में आप गाड़ियां चेक करते हैं तो इनमें आपको जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं किसी, या तो फिर वो ऐसा नहीं है कि फ्यूल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है इसकी या फिर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, इस गाड़ी में आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, राइड एंड इसकी हैंडलिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंट्री लेवल की बाकी गाड़ियों से, मैं गाड़ियों के ना ब्रांड के नाम नहीं लेना चाहूँगा,
तो जो कि 5-5.5 लाख में गाड़ी देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी हो चाहे आप कंपेयर कर सकते हैं तो उनसे इसका। और सबसे अच्छी बात ये है उनसे इसके जो इस गाड़ी में ऊपर है इनसे, वो ये है कि इसके गाड़ी का 4-स्टार रेटेड है ये, और सेफ्टी में आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा। टियागो जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहती है इसकी हर समय, तो टियागो मुझे उस बेस से काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो टियागो लेना एक बेहतरीन विकल्प रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप टियागो देख रहे हैं दोस्तों, टियागो लेने वाले जो भाई हैं या प्लान करने का सोच रहे हैं उनके लिए जो ये आई थिंक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप एंट्री लेवल की किसी दूसरी गाड़ी में जाने से अच्छा है आप टियागो लें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों, सेफ्टी बढ़िया है। और अगर आप कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट वगैरह जरूर बांध के रखिए, तो उससे आपकी ही सेफ्टी है। पुलिस वाले चलान करेंगे तो उससे कोई इतना वो नहीं होता, बट अपनी सेफ्टी मान के चलिए इसको हर समय। देखिए अभी काफ़ी बड़ा बम्प गलती से आ गया था टायर के नीचे, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथली जो है टियागो ने इसको कवर किया। सस्पेंशन सेटअप की भी याद आ गई इसके इस बहाने, तो सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है नो डाउट टाटा की सभी गाड़ियों में। BS6 में बात कर लो आप टियागो की या BS4 में बात कर लो चाहे, इसमें सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है और इसमें बॉडी रोल भी उतना नहीं है। हालांकि नेक्सॉन थोड़ा बॉडी रोल भी देती है अपना बाउंसी सस्पेंशन की वजह से, बट इसमें वैसा भी नहीं है। और बाकी दोस्तों गाड़ी के बारे में अनुज भाई कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहेंगे इस वीडियो में तो अनुज भाई आप बता सकते हैं, जो लोग टियागो लेने का सोच रहे हैं या फिर उनके लिए क्या ओपिनियन है आपका, लेना चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए टियागो। ओके, ये पहली बात तो जैसे कहा गया है कि सेफ्टी के मामले में तो बहुत अच्छी है और बाकी इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और ये आपको चला के लग ही रहा होगा कि कैसा आपको डिफरेंस लग रहा है। वैसे आप टाटा की गाड़ी ऑलरेडी चला रहे हो तो वैसे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट जो किसी और कंपनी की गाड़ी चला के टाटा की गाड़ी चलाएंगे तो मेरे को लगता है कि उनको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है एक्सपीरियंस। ओके, तो मतलब काफ़ी आपके ओपिनियन से जो है गाड़ी ले लेनी चाहिए जो को भी न्यू बायर अगर सोच रहा हो इसको लेने का। तो पहली बात ये बजट में बहुत अच्छी गाड़ी है, इस बजट में आपको ये वाली गाड़ी मतलब कोई आपको गाड़ी लेनी है बजट के अंदर तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई अदर ऑप्शन आपको इसमें अच्छा मिल जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है। ओके, सो दोस्तों ये था कुछ अनुज भाई का ओपिनियन गाड़ी के बारे में, आपसे डायरेक्टली इनकी बात करवाई हमने। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी और ज़रूर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर वियर कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।